थैंक यू, मुझे अपने लड़का कहाँ ही। ए आ गई है भाई धीरिया, अमेरिका तो आ गई है। अपनी दादा की पोती हूँ जो माइक पकड़ कर साकेत हो जाते हैं, वाह 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 वाह। इंशाल्लाह अपने दादा की पोती हूँ, खिदमत करने आई हूँ, खिदमत बढ़ चढ़ कर करूँगी। ये है अपने दादा की पोती। अपने दादा की पोती हूँ और मैं यहाँ लड़ने नहीं आई बल्कि मारने आई हूँ, और अपने दादा के दुश्मनों को मार के जाऊंगी। दादा की पोती। आपने नहीं देखा होगा पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये है अपने दादा की पोती और मैं हूँ अपने दादा का पोता। इन साहब जैसे जो लड़के होते हैं ना। थैंक यू, मुझे अपने लड़का कहाँ है। वो सारी रात जाग के बर्थडे विश करते हैं और लड़की पता क्या बोल के सो जाती है। थैंक्स ब्रो। वैसे एक बात है, आप कैंपेन कम और मुंह ज्यादा करती है, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, जो कि मेरे दादा ने सिखाया मुझे। दादा की पोती हूँ मैं। PSL चल रहा है ना, अगर क्रिकेट दादा है ना तो मैं दादा की पोती हूँ। बुरा ना मनाना बेना, आपने जो कैंपेन किया था बड़ी आपने जोश खरोश से वो कैंपेन किया था, लेकिन आपका कैंपेन तो बढ़ गया। दादा की पोती हूँ मैं। दादा का पोता हूँ मैं। होंगे आप, पर दादा की पोती ने दादा का नाम रोशन ना किया तो महा बुखारी नहीं होगा मेरा नाम। और मैं आपको बता रही हूँ, कितना बोलती है। आपने सपोर्ट करके महा को बुखारी ग्रुप को जितवाना है। चुप करें आप। अच्छा, गंदे गंदे मुंह तो नहीं बनाए, बात सुने आप सब सुन। नहीं होंगी जो तमाम लड़कों को अल्लाह माफी की बिना पर आके सारी सारी रात सभा बन के लोड मांगते हैं, वो लोड मांगना छोड़ देंगे। ऐसा लग रहा है किसी रेस्टोरेंट की खिड़की में हम दोनों यूं रश पहले रोल ले लेके चक्कर। ये आप ही होंगे जो किसी भी चौक में खड़े होके गाड़ी रिवर्स कर रहे होंगे तो महा खड़ी होगी पीछे। पीछे ये साजिश है, क्योंकि ये गाड़ी के नीचे दब जाएगी और अब इल्जाम आएगा। महा होगी जो कहेगी रोके रोके, पीछे खंबा है, ये महा बुखार। मैं अपने आवाम के लिए शीशा पिले दीवार बन कर खड़ा होऊंगा। जो मुसीबत आवाम की तरफ आएगी, ये मर्द मुजाहिद अपने तरफ उसको नहीं लिया तो फिर बोलना। ये तो PSL के बाद ही पता चलेगा किसका प्रोग्राम बड़ा है और किसका नहीं। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊँ, आपका तो सीधे सीधे बात है बेना कि आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया। और सिर्फ यही नहीं, मेरे और भी जो वीडियो वायरल है जो मैंने लिखी है, दिल भरे फरोख्त कीमत फकत एक मुस्कुराहट, और जिन्हें सनु सताया उन्हें रक्षी चलाया, और तीसरा उधार लेके कतई शर्मिंदा मत करें। अब आप ये कहेंगे कि ये भी आपने ही कहा है, बिल्कुल मेरा ही, मेरे ही लाइन। हम वो नहीं है जो माइक पकड़ के वो 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 करेंगे। मैं खिदमत करने आई हूँ, खिदमत करके जाऊंगी। ट्रांसफार्मर जिसके घर में नहीं है ना, उसके घर तो नहीं है, और जिसके घर में है उधर भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा मतलब वहाँ से उतार के कहीं और लगवा दूंगी। अच्छा, मेरा दोस्तों आप मेरा नंबर नोट करें, 0333 कर लिया आगे। आई एम फ्री। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मैं शेरुद्दीन मरवत नकली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे सवालात हूँ, उसके जवाबात तो गुप्त सुनीद फुनीद होगी। मेरे शो में मधु किया है मैंने दादा की पोती। आ गई हैं भाई धीरियां, एक जगह ठीक के बात अगर कर ले। तो आ गई हैं, दादा की पोती हूँ मैं। वो तो मैं वो नहीं हूँ जो माइक पकड़ के वाह 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 करते रहते हैं। चाचा आपका ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था। अच्छा, मैं कुछ भी हो सकता हूँ, ये चाचा क्या होता है? आप दादा की पोती खुद दादा के साथ खेलते रहे थे, मेरे दादा ने बताया ये मेरे साथ बंदा खेलता रहे, तो अब से आप मेरे दादा भी हैं, दादू आप मेरे अबा भी हैं, आप मेरे भाई भी हैं, आप मेरे दोस्त भी हैं, और आप वो भी हैं जो अभी कहेंगे महा और बेटा आपको चीजें दिलाऊं। एंड डोंट एवर ट्राई टू टच मी अगेन। ये जो आपने भी हरकत की है वो मैंने आपको दादा समझ के था। मैं आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और देखूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। बात ये है, सवालों का सिलसिला अगर आप इजाजत दें तो शुरू कर ले। कीजिए। मेरा आपसे पहला सवाल है कि इलेक्शन के फौरन बाद आप अमरीका क्यों चली गई? मेरे दादा ने कहा था। उधर देख के करो बात, उधर ऊपर दादा को देख रही, वो बैठे हैं। अच्छा, हाजिर जवाब भी है, ठीक है। मेरे दादा ने कहा था महा
भागती रहना। माँ इलेक्शन के बाद भागी है, बाहर गई है बाहर, क्योंकि मैं भागती रहूंगी फिटनेस मेरा कभी खेड़ा नहीं छोड़ेगी। यानी फिटनेस फ्रीक है। PSL चल रहा है ना पाकिस्तान में, आपने कभी स्टेडियम में जाके मैच देखा? तो अगर मुझे वहाँ कोई जाने नहीं देता, वो कहते हैं कि आप अगर स्टेडियम में बढ़ गए तो हमारा मैच जो है वो बढ़ जाएगा। ये आप बताइए, आप जो आपके रूप अभी लोगों ने देखे हैं, दो ही रूप है तो, और अभी कितने रूप दिखाना बाकी है जो आप दिखाएंगे? बरबत साहब, जब मैं पैदा हुई थी ना इतनी सी थी, ये थोड़ा बड़ा करिए तो चूहिया का साइज है। चूहिया ही थी मैं अपने दादा की। अच्छा। मैं पिंडों में एक घर से निकल के दूसरे घर बिलों में से होती गुजर जाती थी, मैं दादा कहते हैं चूहिया ही है मेरी। वाह वाह, ये बड़ी होके अज़्द हो से लड़ेगी, ये बड़ी होके चूही रहेगी और मैं चूही हूँ। नहीं चूही नहीं, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको। दादा ने कहा था मेरे, उन्होंने कहा था माँ। अच्छा दादा हमारा भी है, हम कोई सोतेले नहीं है। टैन से पब्लिसिटी करनी थी अपने दादा की। मैंने मैं आपको एक बात बता दूं, और ये आपको दादा की पोती महा बुखारी बताएगी। अच्छा, अगर आपका महबूब आपके तोतलेपन से, मेरे बाबू ने था ना थाया, मेरे बाबू ते शल में दल तो नहीं हो रहा। अच्छा, इन सब से तंग आ गए ना, तो समझ लें कि आपका जो बाबू है ना वो किसी और के पास चला गया है। बहुत आपने मुफीद बात बताई है। सवाल में बाबू को टैम से काबू करें। डार्विन की जो थ्योरी एग्जिस्ट करती है, अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो आज का बंदर बंदर क्यों है? क्योंकि वो बंदर है, वो इसलिए बंदर है। अगर वो मेरे दादा से दोस्ती कर लेता तो आज वो भी इंसान का पुत्र बन जाता, हार जाता। वो इंसान का पुत्र क्या बन? वो मेरे दादाजी से नहीं मिला। अच्छा, अगर मिल जाता तो फिर वो भी बंदे का पुत्र बन जाता, बंदर का पुत्र।